नमस्कार। आज हम जिसे यूरोपीय सभ्यता कहते हैं उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान ग्रीस का है। कहा जाता है कि यूरोप ने रोमनों से ही कानून पद्धति तथा राज्य संचालन का कौशल प्राप्त किया, तो ग्रीस से दर्शन, विज्ञान और साहित्य पाया। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ग्रीस विद्वानों का अभिमत बहुत कुछ भारतीय तत्व चिंतन से मेल खाता है। जैसे कि ग्रीक दार्शनिक सुकरात, उनका समय ईसा पूर्व 441 से 399 के बीच समझा जाता है। संसार के इतिहास में बहुत थोड़े लोग ऐसे हुए हैं जिनके व्यक्तित्व और जीवन का अपने बाद के लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा हो। सुकरात ने सत्य अन्वेषण की बात की, आत्मा के अजर अमर होने की बात की। इन बातों को उस समय के समाज ने युवाओं को पथभ्रष्ट करने वाला कृत्य माना। नतीजतन सुकरात पर मुकदमा चला और वह भी एथेंस की सारी जनता के सामने। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लोकतांत्रिक एथेंस का हर नागरिक न्यायाधीश के आसन पर बैठा था। सुकरात को 220 के मुकाबले 281 मतों से दोषी करार दिया जाकर मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। यहां एक मौलिक और तात्विक प्रश्न उठता है कि क्या लोकतंत्र की पद्धति वस्तुतः त्रुटिहीन पद्धति है? जब क्रीटो ने सुकरात को संसार के जनमत की परवाह करने की सलाह दी तो सुकरात ने उसे एक भीड़ की संज्ञा देते हुए कहा कि भीड़ ना तो व्यक्ति का उपकार कर सकती है ना अपकार, वह किसी व्यक्ति को ना तो ज्ञानी बना सकती है और ना ही मूर्ख। भीड़ तो मनमाने ढंग से कार्य करती है। सुकरात ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा पर उनके शिष्यों ने उन पर बहुत लेख लिखे। उन्हीं के आधार पर हमारे सामने सुकरात का महान व्यक्तित्व उभरता है। जिस समय वे जेल में भी अपने शिष्यों को सहज प्रश्नोत्तर के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्य समझाते हैं, उसे पढ़कर तो हठात श्रीमद् भगवद् गीता का कृष्ण अर्जुन संवाद स्मरण हो आता है। विषय भी लगभग वही है, आत्मा की अमरता। खैर, मौत की सजा दिए जाने के बाद भी सुकरात को तुरंत विष का प्याला नहीं दिया गया। उसका कारण भी बड़ा विचित्र था। उन दिनों एथेंस में एक प्रथा थी कि पवित्र मिशन के नाम पर प्रतिवर्ष डेलोस को एक जहाज भेजा जाता था। थीसियस द्वारा स्वयं के साथ साथ 7 युवकों व 7 युवतियों को जहाज द्वारा बचाए जाने की स्मृति में यह जहाज भेजा जाता था। जब तक यह जहाज डेलोस से लौट नहीं आता था तब तक किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। तो इस बार तूफान में फंस जाने के कारण जहाज आने में विलंब हुआ और इसके चलते मृत्यु दंड मिलने के बाद भी सुकरात को लंबे समय कारावास में रहकर प्रतीक्षा करना पड़ी। उस दौरान उनके शिष्य व मित्र उनसे मिलने आते रहे। उनमें मुख्य थे क्रीटो, अपोलोडोरस, फीडो, सिबिस, सिल्सियस आदि आदि। इन लोगों को जो उपदेश सुकरात ने दिए उन्हें जानकर भारतीय ऋषियों की ही याद आती है। आइए उनके उपदेशों पर एक नजर डालें। जिसे मनुष्य सुख कहते हैं वह कितनी अद्भुत चीज है, उसका दुख के साथ कितना अद्भुत संबंध है। जो कहने को उसका विपरीत लगता है। जीवन में सुख दुख कभी एक साथ नहीं आते, किंतु जब कोई पीछे पड़कर एक को पाने की चेष्टा करता है तो पीछे पीछे दूसरा भी आता ही है। मानो ये दोनों अलग अलग चीजें ना हों बल्कि एक का सिरा दूसरे से मिला हुआ हो। देवतागण हमारे अभिभावक हैं और मनुष्य उनकी संपत्ति के भाग हैं। अतः किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन नष्ट करने का अधिकार नहीं है। उसे तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि ईश्वर उसकी जरूरत न समझे। जो लोग सही ढंग से दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं वे वस्तुतः मरने की क्रिया और मृत्यु का ही अध्ययन करते हैं। आत्मा की शरीर से वियुक्ति ही मृत्यु है। आत्मा का वास्तविक सत्य बुद्धि या युक्ति से ही ज्ञात होता है। संयम का अर्थ है अपने आवेगों पर नियंत्रण। इसी प्रकार
असंयमित की परिभाषा है मनुष्य का सुखोपभोग की इच्छा से परिचालन, सुखों के अधीन होना। विपर्याय सार्वभौमिक नियम है। विभाजन और संगठन, ठंडा और गर्म, इसी प्रकार निद्रा और जागरण का विपर्याय है। निद्रा से जागरण की अवस्था उत्पन्न होती है और जागरण से निद्रा की अवस्था। अब मृत्यु और जीवन के विषय में विचार करें। जिस प्रकार जीवित से मृतक होता है, उसी प्रकार मृतक से जीवित उत्पन्न होता है। मनुष्य अपने जीवन में जो ज्ञान प्राप्त करता है, उसमें से बहुतांश पिछले जन्म के ज्ञान का पुनः स्मरण ही होता है। हम मनुष्यगण शरीर और आत्मा से मिलकर बने हैं। शरीर दृश्य है जबकि आत्मा अदृश्य। जब आत्मा और शरीर संयुक्त होते हैं तो प्रकृति एक को दास तो दूसरे को मालिक बना देती है। आत्मा दिव्य के नज़दीक होने से शासक, तो नश्वर शरीर दास होता है। दोनों का स्वभाव खोजी होता है। शरीर खोजता है इंद्रियानुभूति को, जबकि आत्मा की खोज की दिशा होती है चिरंतन, अनश्वर और अपरिवर्तनीय। आत्मा की इसी स्थिति को ज्ञान कहते हैं। किंतु इसके विपरीत आत्मा जेल खाने रूपी शरीर के सीखचों के अंदर कैद होकर अज्ञान के अंधकार में भटकती रहती है, जिसका सबसे भयंकर तत्व होता है वासना। दर्शन शास्त्र का कार्य मुक्ति दिलाना है, आत्मा को यह अनुभव कराना कि उसे सुख दुख की गुलामी में नहीं पड़ना है। यदि मृत्यु सभी बातों से मुक्ति होती तो दुष्टों के लिए तो बहुत बड़े वरदान के रूप में होती, क्योंकि मरने के बाद वे अपने शरीर द्वारा की गई दुष्टता से विमुक्त हो जाते। आत्मा तो अमर है, किंतु बुराई से उसका एकमात्र त्राण है अधिक से अधिक पूर्ण और ज्ञानी बनने में। आत्मा परलोक में अपनी शिक्षा और संस्कारों के अतिरिक्त कुछ नहीं ले जाती, और यही बात अंतिम यात्रा में सबसे बड़ा लाभ या हानि है। परलोक का मार्ग ना तो सरल है और ना एक, सबके मार्ग अलग अलग हैं। सुकरात जब बोल चुके तब क्रीटो ने पूछा, सुकरात हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सुकरात ने जवाब दिया, क्रीटो आज हमने जो चर्चा की है अथवा पूर्व में भी जिन बातों का मैं हमेशा जिक्र करता रहा हूँ, आप उस मार्ग पर चलें, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। क्रीटो ने कहा, हम यथासाध्य प्रयास करेंगे, पर यह तो बताइए कि हम आपको किस प्रकार समाधि दें। सुकरात ने मुस्कुराते हुए सब लोगों की तरफ देखा और कहा, मित्रों लगता है मैं क्रीटो को यह नहीं समझा सका कि जो सुकरात इस समय आपके साथ बात कर रहा है, विषपान के बाद वह आपके साथ नहीं होगा। मैंने आपको विस्तार से समझाया कि वह तो दिव्य सुख में विलीन हो जाएगा। आपको यह कहना चाहिए कि आप सुकरात को नहीं उसके शरीर को दफना रहे हैं। अंतिम संस्कार आप चाहे जैसे करें, क्या फर्क पड़ता है। इन शब्दों के साथ वह स्नान करने गए। स्नान के पश्चात उनके बच्चे उनके पास लाए गए। दो बच्चे बहुत छोटे थे, एक बड़ा था। उनके परिवार की स्त्रियां भी आईं। उन्होंने कुछ देर उनसे बातचीत की, फिर उन्हें वापस भेज दिया। तब जल्लाद उनके पास आकर बोला, सुकरात अब तक जितने लोग यहाँ आए हैं, आप उन सब में बहुत भव्य, श्रेष्ठ और शिष्ट हैं। अन्य लोगों को जब विषपान के लिए विवश किया जाता था तो वे मुझे गालियाँ देते थे, जबकि आप मुझ पर रंच मात्र भी क्रोधित नहीं हैं। यह कहकर वह रोता हुआ एक तरफ चला गया। सुकरात ने उसकी तरफ देखकर कहा, विदा, आप जो कुछ कहेंगे उसका मैं पालन करूंगा। यदि विष तैयार है तो उसे जल्द लाया जाए। इस कार्य में विलंब करना तो ओछापन होगा। ऐसा लगेगा कि मैं लोभी बनकर जीवन के कुछ पल बचाने की कोशिश कर रहा हूं। जल्लाद विष का प्याला ले आया और सुकरात को थमा कर बोला कि इसे पीकर आपको कुछ समय टहलना है, जब आपको अपने पैर
भारी लगें तब आप शांति से लेट जाएं, विष अपना काम स्वयं कर लेगा। सुकरात ने खुशी खुशी वह प्याला ले लिया, ना तो उनके हाथ कांपे, ना माथे पर सिकन आई, ना चेहरे का रंग बदला। सुकरात बोले, मैं देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी यात्रा शुभ हो। इन शब्दों के साथ उन्होंने प्याला मुँह से लगा लिया और उस विष को शांति के साथ पी लिया। वहाँ उपस्थित अधिकांश लोग अपने पर नियंत्रण न रख पाए, फीडो के आंसू बहने लगे, क्रीटो जार जार रोते हुए बाहर ही चले गए, अपोलोडोरस चिल्ला चिल्ला कर दहाड़ मार कर रोने लगे, पर सुकरात शांत बने रहे। असल में ये लोग सुकरात के लिए नहीं रो रहे थे, अपने दुर्भाग्य पर रो रहे थे, जिसके कारण उन्होंने अपना सुकरात जैसा मार्गदर्शक और मित्र खो दिया था। सुकरात बोले, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? कहा जाता है कि मनुष्य को शांति से मरना चाहिए, इसलिए आप लोग शांत रहें और अपने को जप्त करें। सब लोगों ने लज्जित होकर रोना बंद कर दिया। सुकरात तब तक टहलते रहे जब तक कि उनके पैर भारी नहीं हो गए, फिर चित्त होकर शांति से सो गए। जल्लाद ने उनके पैरों को दबाकर पूछा कि क्या उनको कुछ अनुभूति हो रही है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। वह क्रमशः ऊपर के हिस्से को दबाकर सबको बताता रहा कि शरीर किस प्रकार ठंडा और कड़ा होता जा रहा है। सुकरात ने स्वयं भी शरीर को टटोलकर उसे अनुभव किया। उनका मुंह कपड़े से ढक दिया गया। जब उनका कमर तक का भाग अनुभूति शून्य हो गया, तब उन्होंने अपना मुंह खोला और क्रीटो से कहा, मैं एस्क्लेपियस का ऋणी हूँ, उसे याद से एक मुर्गा दे देना। सुकरात ने अपना मुंह पुनः ढक लिया। थोड़ी देर बाद एक स्पंदन हुआ। जल्लाद ने मुंह पर से कपड़ा हटाया। सुकरात की आँखें स्थिर हो चुकी थीं। तब क्रीटो ने उनका मुंह तथा उनकी आँखें बंद कर दीं। एक ज्ञानी, न्यायी और श्रेष्ठ व्यक्ति का इस प्रकार अंत हुआ। नमस्कार।